जब घर का कलेश इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि समझ ही ना आए कि कैसे सुलझाएं, कैसे रिजॉल्व करें, किसे समझाएं, ना एक दूसरे की सुनने को तैयार है, ना दूसरा तीसरे की सुनने को तैयार है, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि अपना रिजल्ट बहुत ही इफेक्टिव वे में दिखाती है। कोई बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं चाहिए, और आप इसको शांति से डिस्क्रीटली कर सकते हैं, और जो आपके घर का तनाव है, जो झगड़ा है, वो बहुत ही आसानी से और शांतिपूर्वक रिजॉल्व भी हो जाएगा। क्या करना है, आइए इस वीडियो में आगे देखते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखते रहें कि इस रेमेडी को कैसे करना है, कहाँ पर आप इसे रखेंगे, लास्ट में आपका उसको कैसे हटाना है, क्या करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, या आप मुझे देखते आए हैं, अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें। मैं हर हफ्ते ऐसे ही नए वीडियोस वास्तु, फेंग शुई, न्यूमरोलॉजी, टैरो के ऊपर लेकर के आता रहता हूँ, ताकि आप कोई भी आने वाली वीडियोस मिस ना कर सकें। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो अक्सर ऐसी सिचुएशंस घरों में ज़रूर डेवलप हो जाती हैं कि ऐसा झगड़ा या ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग किसी भी बात के ऊपर हो जाता है। घरों में हम एक सोशल बीइंग है, सामाजिक प्राणी है, हमारी सबकी भावनाएं होती हैं, किसी की भावना आहत हो जाती है, किसी को ठेस लग जाती है, कुछ हो जाता है, और फिर वो एक बड़े कलह में, एक बड़े क्लेश में डेवलप हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ऐसी सिचुएशंस अक्सर आती रहती हैं, और अगर नहीं भी हैं, अगर घर में अक्सर सिर्फ छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते रहते हैं, तो भी आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं, तो भी आप इस उपाय को, इस एक छोटे से टिप को आप यूज़ कर सकते हैं। करना क्या है, करना है कि एक छोटा सा हनी का जार लेकर के आना, शहद का जार। अब शहद का जार आप कितना बड़ा लाएंगे, जितना आप लाना चाहें, कांच का हो, प्लास्टिक प्रेफरेबली मत लाइए, कांच का इतना बड़ा 100 ml 200 ml जितना भी आपको ठीक लगे, जो भी आप अफोर्ड कर सके, या जो भी आपको लगे कि उचित क्वांटिटी है, वो आप घर अपने खरीद करके लाएं। किसी भी दिन ला सकते हैं, किसी भी समय ला सकते हैं, उसमें ऐसी कोई भी बंदगी नहीं है। दूसरा क्या करना है, दूसरा आपने ये करना है कि उसमें से थोड़ा सा शहद आपको बाहर कर लेना, बाहर करके आप किसी भी पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं, फेंकना नहीं है उसको, या तो खा जाएं या उसको किसी में मिला दें, कुछ कर दें, लेकिन उसको फेंकना नहीं है। ये शहद आपने निकाल लिया, अब क्या करना है, अब इसमें एक चम्मच चीनी, सफ़ेद चीनी जो हम कंज्यूम करते हैं, वो सफ़ेद चीनी और गुलाब की पंखुड़ियाँ, गुलाब की कितनी पंखुड़ियाँ, एक गुलाब आपने लिया, उसकी पंखुड़ियाँ निकाल करके आप उसके अंदर डाल सकते हैं। तो याद रहे, इतनी बड़ी शीशी लाएं जिसमें कि आप शहद निकालने के बाद उसमें आप एक चम्मच चीनी डाल सकें और गुलाब की पंखुड़ियाँ वो जो है कि डाल सकें। ये आपने डाल दिया, अब क्या करना है, घर के जितने लोग हैं उन लोगों के नाम एक छोटे से वाइट कलर के पेपर पे एक चिट आप फाड़ेंगे। उस चिट को चौकोर होना चाहिए, या वो सब कोई रफ एजेस उसकी नहीं होनी चाहिए, या इस हाथ से नहीं, मतलब बहुत ही प्रिसाइजली उसको फाड़ें। फाड़ने के बाद उस पर आप नाम लिखेंगे सभी के, जिन लोगों के भी बीच में झगड़ा है, तनाव है, उन सबके नाम आप ब्लू कलर की पेन से, रेड कलर की पेन से लिखेंगे, ब्लू या रेड, ब्लैक नहीं यूज़ करना है किसी भी पर्पज़ में, जब तक स्पेसिफाई नहीं किया जाए ब्लैक नहीं यूज़ करना है। तो ब्लू या रेड कलर की पेन से आप उस पर सबके नाम लिखेंगे, और नाम लिख करके चार बार उसको अपनी तरफ फोल्ड करेंगे, एक बार फिर आपने उसको सीधा हो गया, फिर दूसरी बार, तो दो फोल्ड्स आपने लगाए तो उसके चार फोल्ड बन गए, ठीक है, दो बार आपने उसको मोड़ा तो उसके इन टोटल अंदर चार फोल्ड्स बन गए। चार का क्यों, चार जो है वो स्टेबिलिटी का प्रतीक होता है, स्टेबिलिटी का नंबर है, तो आपने दो फोल्ड्स लगाए, पार्टनरशिप बढ़ाई और स्टेबिलिटी ले आई चार फोल्ड्स के साथ, इसलिए चार कॉर्नर का पेपर। अब इसको क्या करना है, इसकी आपकी चिट बन गई, चिट को उस बॉटल के अंदर डाल दें, डाल करके किसी स्टिक की मदद से
उंगली मत यूज़ करिएगा, किसी स्टिक की मदद से या चम्मच की मदद से, कोई छोटी सी चम्मच हो आपके पास उससे आप इसको मिला सकते हैं, लकड़ी, मेटल, कुछ भी, कांच, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, मिला करके इसको ढक्कन टाइट करके और अपने घर के या अपने रूम के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन आप कैसे फाइंड करेंगे, जो आपके घर का साउथ है और जो वेस्ट है उसका जो बीच का हिस्सा होगा वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। जैसे मेरे लिए इस समय साउथ वेस्ट इधर है, वैसे ही आपके लिए साउथ वेस्ट किधर और हो सकता है। तो अपने रूम के साउथ वेस्ट में रखते हैं या घर के किसी भी रूम में साउथ वेस्ट में उसको रखते हैं। लोगों की निगाह पड़ती है, पढ़ने दें, पर इसको आपने किया है ये किसी से डिस्कस मत करिए, शांति से आप इसको करिए। और रोज़ सुबह 13 दिन तक, यानी आज आपने किया, आज से लेकर के आप 13 डेज काउंट करेंगे, तो आज आपने किया और 12 दिन और, तो 12 दिन रोज़ सुबह उठ करके जब आप फ्रेश हो जाएं, आपने अपनी पूजा कर ली, डेली रूटीन आपने कर लिए, उसके बाद उसी सेम चम्मच से, स्टिक से आप उसको रोज़ धोते रहें और सुखा करके उसको रोज़ आप एक बार स्टर करें, एक बार मिलाएं। मिला रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उन लोगों के बीच में शक्कर की, शहद की जो मिठास है वो खोल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग है वो ला रहे हैं। चर्निंग क्या होती है, चर्निंग करने से हम हमेशा चीज़ों को मिलाते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। तो आपने मिलाया, मिला करके आप उसको वापस से ढक्कन टाइट करके बंद करके रख दीजिए। रखने के बाद क्या करना है, 13th डे पर, जब 13 दिन हो जाए तो 14वें दिन, 14th डे पर आप उसको लेके जाइए घर के बाहर, किसी पार्क में, किसी पेड़ के नीचे, सोसाइटी में रहते हैं तो पार्क में, या किसी कॉलोनी में रहते हैं तो किसी, जहाँ पर भी आप चाहें, जहाँ पर भी चाहें, किसी साफ जगह देख करके, गंदा ना हो, कूड़ा कचरा ना हो, किसी भी समय, प्रेफरेबली शाम को 4 बजे के बाद या 3 बजे के बाद जा करके एक छोटा सा गड्ढा खोदे, छोटा सा गड्ढा खोद करके उसमें इस पूरे उसको खाली कर दें और उसको वापस मिट्टी से ढक दें, कवर कर लें। याद रहे, ये काम आपने किया है, ये आप किसी से भी डिस्कस नहीं करें। 13 डेज के अंदर अंदर ही आप रोज़ जैसे जैसे करते रहेंगे, आपको धीरे 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 परिवर्तन जो है वो दिखाई देता रहेगा। दबा दिया आपने यूनिवर्स को, आपने अर्थ को दे दिया कि जो भी इनकी बीच की नेगेटिविटी थी, इनकी बीच की प्रॉब्लम्स थी, वो सब अर्थ अपने अंदर अब्सॉर्ब कर ले, अपने अंदर समा ले, ताकि हमारे घर की जो भी समस्याएं हैं वो निकल जाए। निकाला आपने, किसी और के घर पर नहीं डाला, इसीलिए किसी के घर के सामने, किसी के घर के पास नहीं, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर प्रेफरेबली कोई पार्क है या सड़क के किनारे कहीं पर, वहाँ पर जा कर के आप इसको कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी टिप थी और ये एक छोटा सा तरीका था घर में खुशियाँ, घर में हारमोनी, हैप्पीनेस लेकर के आने का। इसको आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी दिन स्टार्ट कर सकते हैं, और ये तरीका जो है ये आपको ज़रूर मदद करेगा, ज़रूर इफ़ेक्टिव वे में आपको हैप्पीनेस, हारमोनी और अंडरस्टैंडिंग लाता हुआ दिखाई देगा। तो ये थी छोटी सी टिप, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में फिर किसी एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, ईश्वर आपको खुश रखें।